Do you find it challenging to set up daily routine of your child with autism or any other learning difficulty? As a parent, मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को एक जगह बिठाना और उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना। आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 5 टिप्स शेयर की हैं, जिनसे आप अपने बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं और उनका डेली रूटीन भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू संयम। एज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन जो लर्निंग डिफिकल्टी या फिर ऑटिज्म से डील कर रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपने बच्चे को इफेक्टिवली पढ़ाएं कैसे, चाहे वो एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स हो या फिर और ज़रूरी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। फर्स्टली बात करते हैं फिजिकल स्पेस और अरेंजमेंट्स की। अगर बच्चे के लिए एक सेपरेट रूम है जहां वो एक्टिविटीज कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अपना लेजर टाइम स्पेंड कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो घर का एटलीस्ट एक कॉर्नर बच्चे के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। इस रूम या कॉर्नर में उस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है जो बच्चे के लिए काम और सूदिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करे। यानी कि ऐसे कलर्स यूज नहीं करने हैं जिससे बच्चा इरिटेट हो सकता है। उसकी पसंद के कलर्स हों तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हैं कि उस रूम के कलर्स क्या करने चाहिए, तो प्रेफर वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट और लाइट कलर्स। ये बच्चे को एजिटेट नहीं करेंगे, एग्रीवेट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ऐसे अरेंजमेंट करना है उस रूम में जिससे बच्चा कंफर्टेबली बैठ सके, अ सिटिंग टेबल और चेयर, या फिर अगर प्रोविजन बैट टेबल चेयर का नहीं हो सकता है, अगर बच्चा जमीन पर बैठकर करना चाहता तो उसके लिए उसकी हाइट के अकॉर्डिंग स्टडी टेबल होना चाहिए और सामने आपके या कोई भी टीचर जो उनको पढ़ा रहा है उसके लिए उस बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो। इस अरेंजमेंट में हमें इंश्योर करना है कि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आपसे, आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से हो। इसलिए हाइट एडजस्टमेंट उस तरीके से करनी है कि ट्रेनर और बच्चे का या पेरेंट और बच्चे का आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहे, तो उनके आई लेवल पर जाकर आपने काम करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनवायरमेंट में लाउड म्यूजिक, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स या बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं हो। एनवायरमेंट जितना नीट होगा उतना ही आसानी होगी बच्चे के साथ काम करने में। मल्टीपल कलर्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ बच्चे को दिखाई देंगे तो योर चाइल्ड में गेट कंफ्यूज, या ये ओवर स्टिमुलेटिंग भी हो सकता है बच्चे के लिए एंड इट में लीड टू डिफरेंट एजिटेटेड बिहेवियर्स और स्टिमिंग बिहेवियर्स। इसलिए एनवायरमेंट को नीट रखने की जरूरत है और जिन ऑब्जेक्ट्स या जिन चीजों के साथ आज काम करने वाले हैं या आज पढ़ाई करने वाले हैं, सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम डिस्प्ले में हो। बहुत ज्यादा चीजें बाहर निकली नहीं हो, बाहर बिखरी नहीं हो, तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे का अपने एक प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन सेटअप करना है, क्योंकि अगर बच्चे का एक रूटीन सेटअप हो जाता है तो चीजें आपके लिए और बच्चे के लिए आसान हो जाती है सीखने के लिए। ये रूटीन सेटअप करना सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले एज पेरेंट्स हम लोगों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रूटीन सेटअप करना, जैसे इस टाइम पे उठना है आपने पर्टिकुलर, ये ब्रश का टाइम है, ये टॉयलेट टाइम है, देन ये बाथ का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट टाइम है, ये स्टडी टाइम है, ये सारे के सारे स्लॉट, सारे के सारी चीजें सेट होनी चाहिए और जरूरी है कि डेली उसी समय पर की जाए, ताकि बच्चे के लिए एक प्रेडिक्टेबल अपॉर्चुनिटी हो। बच्चा प्रेडिक्ट कर पाए कि अच्छा इस चीज के बाद अब ये होना है, इस चीज के बाद ये होना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। इसे और ज्यादा इफेक्टिवली करने के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं, वो ये कि जो भी कॉर्नर या जो भी रूम आपने बच्चे का स्केड्यूल किया है एक्टिविटीज कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, वहां एक दीवार पर आप एक चार्ट पेपर लगा दो, जिस चार्ट पेपर पर डेली रूटीन के फ्लैश कार्ड्स इमेजेस के साथ साथ में वहां पे चेक पॉइंट्स होने चाहिए,
देयर शुड बी एरियाज जहां पे आप टिक कर सके कि अच्छा आज बेदिंग हो गई, आज ब्रशिंग हो गई, आज टॉयलेट टाइम था टॉयलेट हो गया, स्टडी टाइम है हो गया। तो आपने क्या करना है बच्चे के साथ, डेली जैसे ही वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, आपने वहां पे एक टिक लगा देना है, सो दैट वो श्योरिटी हो कि हाँ अभी हो गया। ऐसा करने से आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा कि हमने कुछ अचीव किया, और ये कॉन्फिडेंस उसकी लर्निंग में आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा योगदान देगा। तो रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में गेस्ट आ गए, या फिर आप घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर फेस्टिवल टाइम है और आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, डू नॉट बी गिल्टी, गिव योरसेल्फ सम फ्रीडम एंड लव। नेक्स्ट इज गिव फ्यूअर ऑप्शंस टू योर चाइल्ड, यानी कि जब आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो बहुत सारी चॉइसेस देकर मत समझाइए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल रेड कलर सिखा रहे हैं, तो इनिशियली आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिखाने हैं, स्टेप नंबर वन वुड बी कि आप रेड कलर के जितने ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं वो बच्चे को दिखाकर सिखाइए और समझाइए। जब एक्टिविटी टाइम में आप बच्चे के साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं, तो एक स्टेप ऐड कर दीजिए, उसमें येलो कलर या ग्रीन कलर, कोई भी एक कलर एडिशनल आपने रखना है रेड के अलावा। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड एप्पल रखा और येलो बनाना रखा और बच्चे से पूछा रेड कलर के लिए। मेक थिंग्स सिंपल फॉर योर चाइल्ड, जब दो ही ऑप्शंस होंगे तो बच्चे के लिए बहुत इजी रहेगा समझना और कॉन्सेप्ट को समझना और पॉइंट करना। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ेगा लर्निंग की तरफ, जैसे जैसे वो सीखता जाएगा वैसे वैसे यू नो ही विल बी हैप्पी, ही विल बी अप्रिशिएटेड जो भी उसने किया है उसके लिए। तो बहुत सारी चॉइसेस देकर बच्चे को कंफ्यूज हमें नहीं करना है, जस्ट गिव वन और टू चॉइसेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कि जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने अपनी टोन को बहुत हाई नहीं रखना है, यू हैव टू कीप अ लो टोन, बट साथ में आपने एम्फेसाइज करना है उन शब्दों को जहां पे आप चाहते हैं बच्चे का फोकस आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को एप्पल सिखा रहे हैं तो दिस इज एन एप्पल, एप्पल पे आप स्ट्रेस करेंगे। अगर आप कलर सिखा रहे हैं, दिस एप्पल इज रेड, तो आपने रेड पे फोकस किया। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम अपना अप रखेंगे या फिर बहुत ज्यादा वेरिएशंस रखेंगे, तो उधर क्या होगा कि बच्चा एजिटेट हो सकता है, हो सकता है कि वो इरिटेट हो जाए, हो सकता है वो कंफ्यूज भी हो जाए। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है बच्चे को सिखाते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे की समझने की स्पीड ऑलरेडी उस समय कम है, उसका अटेंशन स्पैन इधर उधर जा रहा है उसकी अटेंशन, और उसमें उसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे को बोलता हूं चलो एप्पल बोलो, एप्पल कौन से कलर का होता है, एप्पल रेड होता है ना, चलो बोलो बोलो, ओके, और अब ये क्या है, ये पेंसिल है, पेंसिल कौन से कलर की है, ये कितनी बड़ी पेंसिल है, ये छोटी पेंसिल है कि बड़ी पेंसिल है, ओ ये रेड पेंसिल है, वाओ ये रेड पेंसिल है। अब इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, जब तक वो पहली चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है तब तक हम दूसरी कमांड दे दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्या हमारा बच्चा उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है उतनी स्पीड से। सो बी वेरी प्रिसाइज, स्लो एंड सटल व्हाइल यू आर ट्रेनिंग योर चाइल्ड। तो धीरे धीरे लो टोन में सही शब्दों पे एम्फेसाइज करके कम शब्दों और कम इंस्ट्रक्शंस के साथ आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। नेक्स्ट इज डू नॉट टीच योर चाइल्ड इफ यू आर स्ट्रेस्ड और एजिटेटेड। अगर आप किसी वजह से एजिटेटेड हैं, अपसेट हैं या स्ट्रेस्ड हैं, तो उस टाइम पर अवॉइड कीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ाना या उसे कुछ सिखाना। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने इमोशंस उस टाइम पर लेकर बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चे पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो वी वुड सजेस्ट जिस टाइम पर आप स्ट्रेस्ड हैं किसी वजह से, तो टेक अ ब्रेक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू। उस टाइम पर आप थोड़ा सा रूटीन में चेंज कर सकते हैं, टेक अ ब्रेक,
गेट आउट ऑफ योर स्ट्रेस, बी काम कूल एंड देन इंटरैक्ट विद योर चाइल्ड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम हो, और बहुत सारा पेशेंस रिक्वायर्ड है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए. सो यू नीड टू बी मेंटली रिलैक्स्ड एंड कूल बिफोर यू टीच योर चाइल्ड. ये एक दिन का जॉब नहीं है, इट्स एवरी डे टास्क दैट यू नीड टू डू. तो अपना माइंड जितना कूल रखेंगे, जितना पॉजिटिव रखेंगे, उतना आपके बच्चे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. अपने बच्चे के साथ काम करते करते आप एक चीज कभी मत भूलेगा कि आप उसके पेरेंट्स हैं और वो आपका बच्चा है. वो कोई टॉय नहीं, कोई मशीन नहीं जिसे आपने फिक्स करना है. सो ट्रेनिंग अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन प्यार अपनी जगह. अपने बच्चे को प्यार देते रहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए उसे. ये याद रखिए कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपने अपने बच्चे को साथ लेकर चलना है और उस पार पहुंचाना है. पेशेंस और प्यार, इसकी जरूरत आपके बच्चे को ही नहीं, आपको भी है. सो गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ पैटिंग फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग. हैव लव एंड कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड. और अपने बच्चे का साथ मत छोड़िए, उसका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता. See you in our next video soon. Till then, take care. Bye-bye. God bless you.